वैश्विक महामारी कोरोना में टीटी क्वालिफाई बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, ये फैसला शिक्षा मंत्री की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टिफिकेट यानी कि टीईटी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। पोखरियाल ने कहा, शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित राज्य सरकारें उन उम्मीदवारों को नई टीईटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।